फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएसके एचडी फॉर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जीएसटी स्पेशल्स की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसे बहुत ढेर सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पूछे जाते हैं डायरेक्टली, उसके प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो जाके, क्योंकि वहां पर वही चुनना टॉपिक जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आज हमें एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक लगाया है मॉडर्न हिस्ट्री से, जो है जो क्रांति, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाते हैं फैक्ट वाइज। वैसे तो हम जब आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें अच्छे सब चीज पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जहां से फैक्ट्री क्वेश्चन आते हैं, क्रांति कहाँ शुरू हुई, किसने कहाँ से कौन से नेतृत्व कर रहे थे, ज्यादा उसे नहीं से पूछे जाते हैं। पर बता सकता हूँ कि जो क्रांति थी उसके बारे में जानने पर दो चीज आ जाते हैं क्या, कि इसके ऊपर बहुत से बुके लिखेंगे और बहुत से लोगों ने इसके बारे में कुछ कुछ कहा। ओके, तो इम्पोर्टेंट है एक बुक और एक किसने क्या कहा था। ओके, एक बुक इम्पोर्टेंट है, ओके, और एक किसने कहा था ये इम्पोर्टेंट है, और किसने कहा, दो चीज ज्यादा पूछी जाती है। ओके, तो बुक इंपॉर्टेंट है क्या, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बुक क्या नाम था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये थी बुक का नाम क्या, द फर्स्ट वॉर ऑफ क्या इंडिपेंडेंस। हाँ सॉरी, तो हल्का हो गया होगा, तो अब क्या है ये बुक है। ओके, तो ये किसने लिखा था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, अगर आपको साफ दिख नहीं रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए और उसको अपने दिमाग में रखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। क्या, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने था वीडी सावरकर ने, वी डी सावरकर, इन्होंने कुछ कहा भी था, इन्होंने कहा था कि यह क्या है, एक सैनिक विद्रोह नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। लेकिन एक लोगों ने कहा था क्या कि एक सैनिक विद्रोह है, यह एक क्या है, सैनिक विद्रोह है, एक सैनिक विद्रोह है। ये किसने कहा था, क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि ये सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो कहा था सर जॉन सीले ने, सर जॉन सीले क्या कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है। जो बुक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके वीर सावरकर की, तो एक बुक और एक जो किसने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि 1800 क्रांति होने के क्या कारण क्या थे। तो कारण हम देखते हैं तो बहुत सारे कारण निकलते हैं, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, तो उस पर हमें जोर नहीं डालना, हमें जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है आना पेपर। फिर भी देख लीजिए, जैसे कि जैसे डलहौजी थी, डलहौजी ने एक डॉक्टरेट ऑफ लिटरेसी लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसके अनुसार जिसके भी पुत्र नहीं थे वो किसी का पुत्र गोद में लेता था तो उसका राजपाट आ गया उसके अंदर। फिर उसके बहुत सी कर पॉलिसियां थी, उसकी शिक्षा व्यवस्था करके बहुत सी पॉलिसियां थी, उसकी अंग्रेजा को महत्व दिया जाने लगा था, जो भारत खुद की अपनी संस्कृति उसको ध्वस्त किया जाने लगा था। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सहायक संधि थी, तो बहुत संख्या जो पहले, ये कोई तात्कालिक कारण नहीं था, ये कोई 100-200 सालों के बाद जुर्म सहने के बाद लोगों के अंदर की जो बिल्कुल हद से बेहद तक हो जाता है उसके बाद ये क्रांति हुई। तो ये क्रांति जननी कहां कहां शुरू हुई, कौन कौन नेतृत्व किया, तो सबसे पहले जो मंगल पांडे थे तो वहां से इसकी क्रांति शुरुआत नहीं मानी जाती है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है क्या, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से किया था, तो इसका अर्थ होगा नहीं, मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपना जो एक उसका ऑफिसर था उसको गोली मार हत्या कर दी थी, पर उसका इसका कोई संबंध नहीं था। इसकी मेन बात मानी जाती है मेरठ से, जहां पे जो गुर्जर थे उन्होंने क्या किया था, कुछ कैदियों को छुड़ा के और वहां के अफसर को मार के वहां से क्या वो भाग गए थे, और वो सीध लगे दिल्ली, वहां पर उन्होंने बहुत जफरों को अपना नेतृत्व बनाया कि आपके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे, और वहां से उन्होंने स्वतंत्र संग्राम का घोषणा कर दी और वहां से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। हाँ, तो क्या क्या, गुर्जर ने कैदियों को छुड़वाया वहां से, उसके बाद चले दिल्ली, फिर दिल्ली पे उन्होंने क्या, जो बहुत जफर सेकेंड थे उनको क्या किया, उन्होंने उसका अपना नेता घोषित किया उनको, और उन्होंने कहा कि अब हम क्रांति करेंगे, और वहां से क्रांति का बिल्कुल बच गया। ओके, तो इसके क्रांति कारण के असर उन्होंने कुछ घटनाएं ये थी कि शायद लोगों ने पहले बनाया हुआ था कि 20 मई को ये होगा, पर इसके पहले स्टार्ट हो गया, 10 मई को स्टार्ट हो गया, इनके पास कुछ साधन नहीं थे उतनी तेज, इनकी क्या थी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, ताकि एक साथ हर जगह तक विद्रोह होता तो क्या होता है, युद्ध हो जाता। और बहुत से नेताओं ने, बहुत से जो राजपूतों या फिर कह लीजिए जो बड़े बड़े खानदान थे, उन्होंने क्या इनका सहयोग नहीं दिया, वो अंग्रेज से मिले हुए थे, क्यों, क्योंकि उनसे उनको फायदा था, ज्यादा राजस्व उनको प्राप्त होता था। तो बहुत सी ये थी असफल क्या था, क्या सफलता कहानी था, हमारे जो जीएस स्पेशल का बिल्कुल ब्रॉड लैंग्वेज चलेगा उसमें पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे क्या है फैक्ट टू फैक्ट। तो आते हैं हम लोग, हम जान चुके हैं कैसे क्या हुआ, कैसे कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ। तो मेन बात क्या थी कि 10 मई क्या है,
10 मई 1857 से इसकी स्टार्ट हुई। कहां से? मेरठ से। किसने किया था? जो एक गुर्जर थे उनका नाम था धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर, इन्होंने क्या किया? कुछ कैदियों को आजाद कराया, कैदियों को आजाद करा दिया। ओके, और वहां से वो कहां चले गए? फिर दिल्ली चले गए, और दिल्ली से उन्होंने बहादुर जफर को अपना क्या किया? नेता घोषित किया, और एक तरह से क्रांति की शुरुआत हो गई। तब हम आते हैं कहां पे कौन किया था, ये आपको एक फैक्ट जानकारी थी। हाँ, और मंगल पांडे का एक आता है नारा, क्या था? तो मंगल पांडे का नारा था मारो फिरंगियों को, ये उनका था, उन्होंने नारा दिया था। ओके, तो उनका बताओ क्रांति सर के तालुक, तुमको कोई तालुक उससे नहीं था, वो तो अलग ही घटना थी, वो बैल छामने वाली। ओके, अब हम आते हैं कि स्थान क्या था। ओके, और नेतृत्व किसने किया? ओके, तो स्थान से पहले हम दिल्ली चलते हैं कि लोग दिल्ली आए थे 10 मई के बाद 11 मई भाग के दिल्ली आए थे, और यहां पर किसने किया नेतृत्व? तो बहादुर जफर सेकेंड, बहादुर शाह जफर, कौन से सेकेंड? अब जानते थे ये मुगल बादशाह के अंतिम थे। ओके, तो यहां से दिल्ली से कौन कर रहे थे? बहादुर जफर कर रहे थे, इनके साथ में बख्तियार खां भी थे, इनके सेनापति, जो कि मेन वही कर रहे थे, बुढ़े हो चुके थे बिल्कुल, भाई इन्होंने बुजुर्ग थे और ये मुगल थे, इनको क्या यहाँ का नेता बनाया गया। इसके बाद मेन आते हैं अपने आप दिल्ली के बाद कहां आते हैं? लखनऊ। सबको पता था वाजिद अली साथ है, तो उनके ऊपर क्या किया गया था कि जो अवध के नवाब थे उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया था कि आप शासन से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका उसमें राज्य का आरोप लिया गया था, और उनकी जो बेगम थी बेगम हजरत मत, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, और अपने बच्चे के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह किया था। तो लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत मत। बेगम हजरत मत। लखनऊ। फिर कानपुर से साथे टोपे से, ओके, फिर अगर देखा जाए फैजाबाद से थे, फैजाबाद बहुत इंपॉर्टेंट थे, कौन थे? मौलाना कौन थे? मौलाना अहमद तुल्ला। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इनके ऊपर 50,000 की इनामी राशि रखी गई थी कि जब इनको जो पकड़ कराएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। देखो सब पूछा जाता है कि 1800 क्रांति में वो कौन सा नेता था जिसके ऊपर 50,000 की इनामी राशि रखी गई थी, तो कौन थे? मौलाना अहमदुल्ला। कितने हैं? 50,000 की इनाम रखा गया था इनके ऊपर। फिर मैंने आपने अपना कहा इलाहाबाद। इलाहाबाद और वाराणसी मेनली इन दोनों जगह से कौन लड़ रहे थे? लियाकत अली। लियाकत अली। और इसके बाद फिर आता है बिहार। बिहार आ जाए, जमशेदपुर आ जाए, पटना आ जाए, कोई भी आ जाए, तो वहां से कौन रहेगा? वीर कुंवर सिंह। ओके, और एक इंपॉर्टेंट आवाज चला क्या? बरेली आ रहा है यहां पे उस तरफ। ओके, एक इंपॉर्टेंट आवाज क्या बचा है? बस यहां देख सकते हैं क्या? बरेली से कौन कर रहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सॉरी खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि इसका चिन्ह क्या था?
इसका चिन्ह था कमल और रोटी, क्या चिन्ह था कमल और रोटी। और जो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था उसका था चरखा और खादी, ओके खादी और चरखा, ओके। और इसका क्या था कमल और रोटी, कहीं इसमें चपाती भी दिखाया था, कमल और चपाती, कमल और रोटी, ओके। ये था इसका पारंपरिक क्रांति। मेन स्थान क्या है दिल्ली से कौन था हमारा बहादुर शाह जफर, ओके। फिर लखनऊ बेहजरत महल, कानपुर तारक लोपे, फैजाबाद मौलाना अहमदुल्ला, क्या था तारकवासी नाम रखी गई थी। नेक्स्ट इलाहाबाद वापसी से कौन थे हमारे लियाकत अली, बिहार से वीर कुंवर सिंह और मेन बरेली से क्या थे खान अब्दुल गफार खान। तो ये मेन मेन नेतृत्वकर्ता थे जहां नाम से नेतृत्व किया गया था। हाँ तो ये हो रहा था। अरे रिपोर्ट एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट छोड़ रहा था क्या झांसी की रानी अपनी, तो आप झांसी आ जाए ऑप्शन में या ग्वालियर आ जाए बुंदेलखंड बोलो की कहानी, कौन झांसी की रानी, कौन रानी लक्ष्मीबाई, ओके। ये था धनलक्ष्मीबाई बरेली। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी 10 इंपॉर्टेंट थे यहीं से क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स आप इसको भी एक बार देख लीजिए और रट लीजिए क्या क्या है ये क्वेश्चन का आता सतह का बिल्कुल यहीं से आएगा। सो फ्रेंड आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे आपको क्या कवर करा दिए गए हैं और जितने बचे हुए हैं वो बहुत जल्द कवर करा दिया जाएगा। और हमारा जो है प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि लास्ट 15 डेज में हमने जो पढ़ाई की है वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक साथ सबको सबमिट दिया जाएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आए कि हाँ जो हमने पढ़ा है बिल्कुल हम करके ही आएंगे। सो फ्रेंड्स वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज फ्रेंड्स शेयर कीजिए इसको, ओके सर थैंक यू।